हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनलॉक बाबा जी। दोस्तों, मैं यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड आपको हर तरीके का ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। तो आज मैं आपको ओप्पो के फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए बताने वाला हूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। बहुत सारे लोग होते हैं कि नंबर वाला पासवर्ड लगाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है याद रखना, और वो भूल जाते हैं और भूलने के बाद उनका लॉक खुलता नहीं है, तो वो सर्विस सेंटर जाते हैं और उनका डाटा भी लॉस हो जाता है। डाटा लॉस होता है और उनका जितना भी पुराना वाला डाटा जो होता है, फ़ोटो वगैरह, वो सब डिलीट हो जाते हैं, वो वापस नहीं आ पाता है। तो आज मैं आपको घर बैठे बताने वाला हूँ, बिना डाटा लॉस किए, बिना कंप्यूटर के, केवल मोबाइल पर आपको। और एक एक सेकेंड वीडियो देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा एक सेकेंड भी, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा और वीडियो आपको फिर से देखना पड़ेगा और आपका लॉक खुल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल को स्वाइप करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे प्लीज़ इंटर पासकोड का ऑप्शन दे रहा है, तो पासवर्ड तो याद नहीं है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले इमरजेंसी कॉल में आएंगे। इमरजेंसी कॉल में आने के बाद मैं आपको एक कोड देने वाला हूँ, *777777, यानी 7 गो 7 डायल करना है और उसको कॉल कर लेना है दोस्तों 3 बार, 1 2 3। इससे मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन बंद हो जाता है दोस्तों। चलिए अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपको मेन कोड देने वाला हूँ, *8899 दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा, वीडियो फिर से देखना पड़ेगा आपको कोड। तो इससे आप इंजीनियर मोड में चले आइएगा, हैज टिपूंगा, इंजीनियर मोड में आ जाइएगा दोस्तों। ये देखिए देखिए इंजीनियर मोड में आ गया दोस्तों। इंजीनियर मोड यहाँ से कैसा भी आप अपना मोबाइल को बना सकते हैं, चाहे वो पासवर्ड खोलना हो, चाहे जो भी। तो यहाँ पे बिना सेटिंग जाने कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका मोबाइल हैंग कर जाएगा और आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो जो मैं सेटिंग बताने वाला उसी पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देख लेना है मोबाइल का वर्जन क्या है, लास्ट में 122 ही होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा दोस्तों। अब यहाँ से बैक हो जाना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको मेन सेटिंग बताने वाला हूँ, मैनुअल टेस्ट, इस पर एक बार क्लिक करना है दोस्तों और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे चले आना है। यहाँ पे आपको रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर यहाँ पास होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए पास नहीं रहेगा तो लॉक नहीं खुलेगा, तो यहाँ पे पास है दोस्तों। अब मैं आपको मेन बोर्ड वर्जन बताने वाला हूँ, यहाँ पे V1.1 है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये V1.1 रहेगा तो आपका ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस पर 7 बार क्लिक करना है दोस्तों, 7 बार से ज़्यादा बार क्लिक कर देना, कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें RPMB स्टेटस, जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर RPMB स्टेटस दिख रहा है दोस्तों। अब RPMB स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ऊपर में देखिए RPMB स्टेटस है। अब मैं RPMB स्टेटस पे क्लिक करने वाला हूँ एक बार। तो और दोस्तों, आपका पासवर्ड खुल चुका है, RPMB इनेबलिंग स्विच ऑफ, यानी कि पुराना वाला पासवर्ड डिलीट कर दिया गया है, चाहे वो पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी हो। और RPMB की जनरेट नो, यानी कि आप जितना भी नया नया ट्राई कर रहे थे दोस्तों, उसको हटा दिया गया है ताकि वो सिक्योरिटी लॉक कोड में ना बदले। और ATT के चेक फेल दोस्तों, यहाँ पे आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल का लॉक खुल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, आपका पासवर्ड खुल चुका है बिना डाटा लॉस किए हुए। तो चलिए दोस्तों, आप अपना नया वाला पासवर्ड लगा लीजिए, वरना वो पुराना वाला पासवर्ड 1 घंटे बाद लग जाएगा, तो मैं भी लगा लूँगा। और डाटा भी लॉस नहीं हुआ है, डाटा नहीं लॉस हुआ इसलिए दोस्तों कि मेरा ट्रिक काम किया। और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा चैनल को ज़रूर से दोस्तों, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, और डिसलाइक भी ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों, नहीं तभी पता चलेगा कितने लोगों का पासवर्ड खुला, कितने लोगों का नहीं खुला। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।